नमस्कार, बीसीएन न्यूज के वुमेन्स डे स्पेशल इस खास श्रृंखला में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दर्शकों, जब भी खाने की बात आती है तो बहुत सारे लजीज पकवान याद आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। और जब ऐसे कोई टेस्टी खाने का नाम सुना जाए या फिर उस टेस्टी खाने की याद आती है तो बहुत सारे लोगों को याद आती है शेफ नीरज जैन की, जो अभी साक्षात हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं मुझे ऐसा लगता है शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा शहर में जो आपको जानता नहीं हो। मैं कहती हूँ शहर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब आसपास की जगह हमारे विदर्भ वाइड बहुत लोग आपको जानते हैं। और मतलब कहा जाता है कि मैम के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा माता बसती है, मतलब जिस तरीके का खाना वो बनाती है उसकी हर ओर से प्रशंसा हमेशा ही की जाती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्पेशल शो में कहीं ना कहीं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि दर्शक भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं आपकी शुरुआत से लेके अब तक की पूरी जर्नी के बारे में। मैं चाहती हूँ मैम आप हमारे सभी दर्शकों को आपकी जर्नी के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे 24-25 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मेरा नाम शेफ नीरज जैन है। मैं निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ और मुझे बचपन से ही एक्चुअल में शौक था। वैसे मैंने MSc किया है केमिस्ट्री में और कंप्यूटर में भी एक साल का डिप्लोमा लिया है, लेकिन मेरा जो शौक था वो इसी फील्ड में था, कुकिंग और बेकिंग में। मुझे जहाँ से भी सीखने मिलता मैं सीखती चली जाती थी और कंटिन्यू घर में बनाती भी रहती थी। और मेरा ऐसा ड्रीम था कि शादी होके मैं जहाँ भी जाऊँगी यदि मुझे कुछ करने मिला तो मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगी। क्योंकि शादी के पहले तो मम्मी ने मुझे पूरा प्रोत्साहित किया और जो मैंने चाहा उन्होंने मुझे करवा के दिया। जब शादी होने के बाद मैं यहाँ नागपुर आई, मैं एक्चुअल में MP से हूँ, सिवनी से। शादी होने के बाद जब मैं नागपुर आई तो घर में ससुर और हस्बैंड ही थे, मेरी मदर इन लॉ नहीं थी। तो थोड़े दिन में मैं बोर होने लगी क्योंकि सब दोनों अपने अपने काम पर चले जाते थे और मैं घर में अकेली रह जाती थी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस तरह का कोई कोर्स यहाँ पर कर सकती हूँ। तो दोनों की मुझे मतलब हाँ बोल दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने हाँ बोल दिया। तो मैंने एक बहुत ही छोटे से स्टार्ट करी, घर के एक रूम खाली था उसमें छोटा गैस रखा और जो जो चीज़ें मुझे, क्योंकि मुझे शौक था तो मम्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया भी था, तो वो सब सेटअप मैंने स्टार्ट किया। फिर मंदिर में, न्यूज़पेपर में ऐसे छोटे छोटे पंपलेट बांटे कि हम ये चालू कर रहे हैं। तो मैंने जो सबसे फर्स्ट ये लिया कि कहीं मैं नागपुर में फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं एक छोटी जगह से थी। तो सिवनी से थी तो मैं पहले सिवनी गई और मैंने बोला कि एक छोटा सा जो कोर्स है मैं सिवनी में करके आती हूँ। तो स्टार्ट किया मैंने मिठाइयों से और वहाँ ऐड वगैरह करवाया और फर्स्ट जो मेरा कुकरी शो हुआ वो सिवनी में हुआ। 65 लेडीज उस क्लास में थी, तो वो जब सक्सेसफुल हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अभी कर सकते हैं, हम इसको आगे नागपुर में भी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने स्टार्ट किया, छोटे छोटे कोर्सेज चलाए, एक दिन के, दो दिन के कोर्सेज चलाए, कभी दो लोग रहते थे कभी चार, अपने फ्रेंड सर्कल में वगैरह सब लोगों को बताया कि हमने ये इस तरह से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे लोगों का रिस्पॉन्स बढ़ता गया, दो से चार, चार से छः, ऐसे कंटिन्यू क्लासेस में आते चले गए लोग। कंटिन्यू लोग क्लासेस में आते चले गए, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मुझे लगता था कि हर दिन मुझे कुछ करना है। कई बार तो ऐसा होता था कि दो चार लोग जो आए हैं उन्होंने जो मुझे पे किया है और कुछ एक दो लोग उसमें से बिना फीस दिए भी चले जाते थे। तो प्रॉफिट की जगह मुझे लॉस भी हो जाता था। स्टार्टिंग के टाइम में आपने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगने लगा। फिर जो भी संस्था है, जैसे मैं JCI से जुड़ी, हथेली जो एक संस्था है अग्रवालों की उससे जुड़ी, सुरभि, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ती चली गई और वहाँ पे रेगुलर जाना आना चालू किया। फिर जिसने मुझे बुलाया मैं वहाँ पे जो टाइम पे बुलाया मैं चली जाती थी और अपना कुकरी शो देकर आती थी। धीरे धीरे लोगों में के बीच में मेरी पब्लिसिटी बढ़ती चली गई, अब लोग मेरे पास आने भी लगे क्लास के लिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि सिर्फ अकेले सिर्फ क्लास हो रहा है यहाँ तक आपको सेटिस्फेक्शन हो गया तो वैसा ही चलता रहता, लेकिन मेरे को इससे हटके कुछ करना था, मतलब और आगे से। हाँ, तो 2003 में मैंने चॉकलेट बुके लॉन्च किया। उसके लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन
क्योंकि उस टाइम कोई ऐसा बहुत सारे स्टाफ भी मेरे साथ में नहीं थे, लेकिन ससुर और हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपको अगर कह सकते तो उन्हीं दोनों का। मायके में मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ससुराल आने के बाद में फादर इन लॉ और हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं बहुत, मेरी एक्चुअली मेरी कैसी आदत थी, मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठती थी। अच्छा। जल्दी उठती थी और उस टाइम मेरे मन में जो थॉट आते थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, और वो फिर मैं तुरंत अपने हस्बैंड से और ससुर से डिस्कस करती थी, और वो चीज वो मुझे अलाउ कर देते थे। और मैं उसको फिर मतलब उसको जैसे क्या बोलना चाहिए, एक स्वरूप देना चालू करती थी और हो जाता था। तो ऐसे ही चॉकलेट बुके को लेके हुआ। उस टाइम हमको बहुत मेहनत लगी, मैंने एक एग्जीबिशन लगाई। अच्छा। और एग्जीबिशन में लोगों को पता भी नहीं था कि चॉकलेट बुके जैसी कोई चीज होती है, और बहुत रिस्पांस मुझे मिला। एक एग्जीबिशन पूनम चैम्बर से स्टार्ट करी थी मैंने। okay. तो सारे जितने नागपुर के पेपर हैं, नवभारत, दैनिक भास्कर, हितवादा, लोकमत, सब में मुझे हाफ हाफ पेज का कवरेज मिला। अरे बाप रे, हाफ पेज का। और साथ में ये था कि वो कौन से वाले पेज पे था जो मतलब नागपुर के बाहर भी जाता है। हाँ। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई एरिया में जाता है, या मतलब आजू बाजू जो जाता है ना, वो वाले पेपर में मुझे, जैसे लोकमत का लोकमत सखी जो छोटा सा बुकलेट निकलता था, इसका नवभारत का सुरभि वगैरह ना जो निकलते थे, उन सब में मुझे बहुत अच्छे से कवरेज मिला। और साथ में मेरा नंबर भी डाल दिया उन्होंने। ओके। तो कंटिन्यू बाहर से फोन आने लगा मतलब मुझे, बूस्ट कह सकते वो चॉकलेट बुके आपके लिए। हाँ, चॉकलेट और चॉकलेट बुके ने मेरी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया, बूस्ट दे दिया। तो आउट ऑफ नागपुर से मुझे कंटिन्यू कॉल आने लगे। अच्छा। लगातार मेरे पे कॉल आने लगे कि आप हमें सिखाएंगे। मैं बोली नहीं, अभी मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं अभी थोड़ा सा इसको सेल करने के पर्पस से। और फिर हम लोगों ने बिग बाजार में हमारा काउंटर खोला। okay. लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू बाहर से मैसेज आने लगे, तो मैं बोली चलो इसको सिखाना। तो यहीं पे सबसे पहला शो मेरा हुआ माहेश्वरी महिला समिति नागपुर के साथ में। फिर उसके बाद कंटिन्यू बाहर से कॉल आने लगे, और मैं बाहर चॉकलेट और चॉकलेट बुके सिखाने जाने लगी। लेकिन मेरा एम क्या था कि मैं चॉकलेट और चॉकलेट बुके तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी, और एक्सटेंड करना चाहती, वाइड रेंज। हाँ, तो मैं जैसे जाती तो मैं उनको बोलती अपन ऐसा करते हैं ना, थोड़े से मॉकटेल भी रख लेते हैं, किसी को बोलती थोड़े स्नैक्स भी रख लेते हैं, किसी को बोलती माइक्रोवेव कुकिंग कर लेंगे, किसी को बोलती सब्जियां कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि चॉकलेट चॉकलेट बुके तो चल ही रहा था, और साथ में ये सारी चीजें भी उसमें ऐड ऑन होती चली गई, एक्स्ट्रा चीजें। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन होती चली गई। फिर थोड़े दिन बाद में चॉकलेट चॉकलेट बुके तो एक साइड रह गया, और मैं पूरे कुकिंग के लिए ही जाने लगी, मतलब पूरा कुकिंग बेकिंग के लिए ही आउट ऑफ। मैंने 1000 कुकरी शो ऑल ओवर इंडिया लिए। ओके। हाँ, लेकिन बस इसमें एक ही चीज थी कि मैं बिल्कुल, आप ये बोल सकते हो कि 16 से 18 घंटे काम करती थी। अरे बाप रे, कंटिन्यूएशन में काम करती थी, और घर में हमारे गेस्ट भी बहुत आते थे, उन सबको भी मैनेज करना रहता था, और कंटिन्यू। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना ये डालना चालू किया, आउटलेट डालना चालू किया। तो फर्स्ट आउटलेट हमारा बिग बाजार में आया। ओके। रामदास पेट में। अच्छा। 3 दिन का हम लोगों ने वहाँ पे चॉकलेट बुके का ये लगाया था वैलेंटाइन डे पे, तो उनके जो स्टोर मैनेजर रहते हैं उनको बहुत पसंद आया, बोले आप अपना एक आउटलेट हमारे यहाँ खोलिए। तो हमने वहाँ पे आउटलेट खोला चॉकलेट चॉकलेट बुके का, लेकिन चॉकलेट चॉकलेट बुके अकेले से सस्टेन करना मुश्किल था। अच्छा। तो हम लोगों ने लाया चॉकलेट फाउंटेन। अच्छा। नागपुर में सबसे पहले चॉकलेट फाउंटेन। हाँ, मतलब जो अभी भी हर इसमें। हाँ, अभी भी है। हाँ, हर इसमें दिखता है। चॉकलेट फाउंटेन हमने लाया, और वो चॉकलेट फाउंटेन ने भी मुझे बहुत पब्लिसिटी दी। अच्छा। फिर मेरे को इतने न्यूज पेपर में कंटिन्यू प्रोग्राम, नवभारत के साथ में, दैनिक भास्कर के साथ में, और सबसे लास्ट प्रोग्राम में एक अमरावती का पेपर है प्रतिदिन अखबार। ओके। उसका जो प्रोग्राम हुआ था उसमें 3500 लोग बैठे। अच्छा। हुए थे, और हर जगह मतलब रायपुर भी गई मैं, एक एक सिटी में 10-10, 15-15 बार होकर आई हूँ। मैम जैसे कोई आपने कोई बोला लेके, हाँ, आपने जैसे बोला कि चॉकलेट फाउंटेन मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो बहुत सारी जगहों पे दिखा हुआ रहता है। हाँ। अगर हम किसी भी मॉल में वगैरह जाए तो वहाँ पे रहते हैं, तो वही जब भी उसको देखते हैं तो ऐसे लालसा होती है कि यार। हाँ। ये चॉकलेट लो, उठाओ। हाँ। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, मतलब कहाँ से आपको ऐसे आपने ये सोचा इस हाँ, बारे तो में इस, इसकी कैसे इस बारे में भी कैसे सोचा कि अब जब हम लोग ने ये चॉकलेट और चॉकलेट बुके बिग बाजार में लगाया, तो उसमें ये समझ में आया कि अकेला, क्योंकि उस टाइम लोगों के अंदर चॉकलेट का इतना क्रेज नहीं था जिस टाइम हमने डाला था, है ना, तो सबको महंगा लगता था वो। तो उस चीज को सस्टेन, क्योंकि वहाँ का किराया और ये सब चीजों के साथ में, कि ये हमारा चॉकलेट और चॉकलेट बुके पूरा चीजें निकाल पाएगा कि नहीं, तो इसके साथ हमको कुछ ना कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन। तो मैं क्लास में ऐसे ही बात कर रही, तो फिर एक लड़की बोली कि आंटी मैं हैदराबाद गई थी, वहाँ एक शादी पार्टी थी, शादी की पार्टी में
एक ना ऐसा चॉकलेट बह रहा था, ऐसे फाउंटेन के जैसे चॉकलेट बह रहा था और लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा ऐसा, फिर उन्होंने थोड़ा गूगल पे सर्च वर्च किया, फिर चॉकलेट फाउंटेन निकल के आया, फिर हमने उसका मशीन लेकर आई, उन्होंने ट्रायल दिया वगैरह सब, और इस तरह से हमारा चॉकलेट फाउंटेन फर्स्ट टाइम। बहुत उसमें भी बहुत रिस्पांस मतलब आया मुझे, यानी लोग मुझे जानने लगे चॉकलेट फाउंटेन के नाम से कि well, अभी भी वो मतलब हाँ, बहुत ज्यादा हाँ, चलते हैं अभी और... भी चलता है, लेकिन अब कैसा हो गया ना कि अब मतलब फिर भी लोगों को पता है हाँ, लेकिन उस टाइम जब लाया था लोगों को पता ही नहीं था, हाँ, एक क्रेज था उसका हाँ, क्योंकि हम जो भी एग्जीबिशन में चॉकलेट बुके का ये चॉकलेट फाउंटेन लगाते थे ना, तो दूर दूर तक लाइन लग जाती थी उसको लेने के लिए, उसको देखना है बस लेने के लिए हाँ। तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेज रहा होगा उस टाइम पे कहीं ना कहीं। आपकी मतलब बेकरी के बारे में जब भी हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें हमने सुनी है, मैं आपकी मतलब यार ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी रेसिपीज की खास बात या फिर वो जो कहते ना हम लोग सीक्रेट क्या है आपकी इतनी टेस्टी रेसिपीज बनाने का, ये जानना चाहती हूँ। सीक्रेट तो ऐसा कि कोई भी चीज को यदि आप अपने मन से बनाते हैं और अच्छा सिखाना चाहते हैं, सामने वाला जो भी सीख रहा है वो अपने घर जाके प्रॉपर अच्छे से बना ले और आके आपको बोल दे कि आंटी बहुत अच्छा बना था, यही हमको उत्साहित करता है आगे के लिए और हमको क्या बोल सकते हैं उसको, हमको देता है कि आपको और कुछ आगे अच्छा अच्छा करना है। और यदि आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट सबके पास होते हैं, सबको मालूम रहता है, लेकिन एक जैसे इंग्रेडिएंट से चार लोग बनाते तो चारों का टेस्ट अलग अलग आता है, चारों का टेस्ट अलग आता है। उसका कारण रहता है कि आप कहीं ना कहीं एकदम पूरा इन्वॉल्व होके जब बनाते हो, पूरा तन मन धन उसमें झोंकते हो, उसका टेस्ट आपको अलग ही आता है। कभी होता है कि हमको खिलाने का मन नहीं है लेकिन हमको बनाना है, तो उसका टेस्ट आपको पक्का कोई ना कोई गलती हो जाएगी और वो वैसा टेस्ट नहीं दे पाएगा जो आपको लगता है। और इंग्रेडिएंट देख के भी मुझे समझ जाता है कि इसमें मैं और क्या ऐड करूं तो इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। अच्छा एक और निजी सवाल था खैर आपसे, मतलब यूजुअली कहते हैं कि मर्द जो होते हैं मतलब मेल्स जो होते हैं उनका दिल का रास्ता पेट से होके जाता हाँ, है बिल्कुल। और आपके घर पे तो खैर आपके ससुर जी भी है, आपके हस्बैंड भी है, दोनों को अगर खुश करना हो या फिर कुछ आपकी उनसे अनबन हो गई, आपके हस्बैंड से अनबन हो गई, तो मतलब आप ऐसे ही अपने पास तो वैसे ही कला है खाने खाना अच्छा बनाने की, तो आप वैसे ही करते हैं हमेशा उनको मतलब मनाने के लिए वैसे ही करते। लेकिन अभी मेरे ससुर जी नहीं है, 2 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए, लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे कि मैं जो कुछ भी हूँ, जितने मुझे अवार्ड मिले, कितने सारे अवार्ड आप आए तो कभी देखिएगा, सब मैं तो बोलती हूँ उनकी ही दुआओं से और उनके आशीर्वाद से मुझे मिला। बहुत सपोर्ट किया, जिस टाइम मैंने बोला उस टाइम उन्होंने खाना खा लिया, मतलब ऐसा बोल सकते कि फुल टाइम मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट सपोर्ट आपको हाँ, कहा जाए तो आपके, क्योंकि मैं इतना बाहर भी रहती थी प्रोग्राम देने के लिए, तो वो पीछे से भी आपको घर संभालना वगैरह सब में इतना सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिला। मतलब आप इतनी सारी चीजें बनाती हैं और जो हर किसी को बहुत अच्छी लगती है, मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? एक्चुअल में ना मुझे थोड़े ट्रेडिशनल डिशेज ही पसंद है, मैं जितना भी बनाती हूँ उसका 95% चीजें मैं नहीं खाती। अरे बाप रे, मतलब जो चीजें आप बनाती हो खुद नहीं खाती है? मुझे बेकरी प्रोडक्ट ना पनीर ना मतलब कोई भी सब तरह की चीजें पसंद नहीं, मैं एकदम ट्रेडिशनल फूड सादा फूड पसंद। ओके, मतलब जो आप मतलब इतनी सारी चीजें बताती है कुछ भी नहीं खाती, उसमें से कुछ एक जो ट्रेडिशनल चीजें बस वही वो खाती है। निराली जी आपकी बहुत सारी क्लासेस वगैरह भी होते हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहती हूं। मेरे करीब करीब 70-80 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मैं एक दिन से लेके 6 महीने तक के सारे कोर्सेज करा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे एफिलेशन हैं, इंटरनेशनल एफिलेशन भी है सिटी एंड गिल्ड लंदन का, जिसके थ्रू हम लोग एक 6 मंथ का बेकरी डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं, और उसमें जो डिप्लोमा मिलता है बच्चों को वो इंटरनेशनल डिप्लोमा मिलता है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद हम उनकी इंटर्नशिप कराते हैं बेकरी में किसी होटल्स में, और 5-स्टार प्रॉपर्टी पर इंटर्नशिप होती है, और उसके बाद उनको जॉब भी लगता है, कहीं जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस खोल लेते हैं, वो कोई बेकरी खोल रहा है, कोई होम बेकर बन रहा है, इस तरह से। तो एक तो ये वाला हुआ जो हम मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, और एक दिन से लेके अब्रॉड जाने वाले बच्चों के लिए अलग से क्लासेस। अच्छा। जो शादी करके बच्चियां अपने घर जाती हैं उनके लिए एक ब्राइडल ग्रूमिंग वर्कशॉप होता 1 मंथ का, जिसमें पूरा प्रैक्टिकल के साथ में कराती हूँ।
और छोटे छोटे मतलब सभी कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्लास में नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल सारी डिशेज हैं लेकिन सारी प्योर वेज। ओके, प्योर वेज सारी चीजें। नीरज जी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि बहुत बार लेडीज को खाना बनाने में बहुत आलस आता है, कह सकते हैं। बहुत सारी जो लेडीज रहती है वो आलस करती है, क्या रोज रोज का खाना बनाना। आप कंटिन्यूसली इतने टाइम से मतलब वही आपका प्रोफेशन आप कह सकते हैं और वही आपका बिजनेस भी, ये सारी चीजें। आप कभी ऐसा बोर नहीं होता, मतलब कभी ऐसे बोल दिया कि यार आज मुझे खाना नहीं बनाना, अपन कहीं बाहर खाने चले जाते हैं, ऐसा कभी? मैं भी जाती हूँ बाहर खाने, हफ्ते में हमारा एक दिन फिक्स है। हम लोग रेगुलर जाते हैं क्योंकि आप रेगुलर आप इतना काम करते हो ना तो अपने को भी फ्रेशनेस चाहिए रहती है, तो बाहर तो हम जाते ही है। ओके, तो मतलब बाहर अगर आप जाते तो सबसे ज्यादा फेवरेट चीज अगर आप, मैंने आपको बताया ना ट्रेडिशनल में दाल और रोटी मेरे लिए रहती है। अच्छा, बाहर पनीर भी नहीं खाती हूँ। पनीर भी नहीं खाते? नहीं, भी नहीं खाते। ओके ओके, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से कहा कि आपको पहले से इंटरेस्ट था, हाँ, और आपने बोला भी था, पर कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आप कह सकते हैं जो खड़ा होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं किसी भी दिन रुकी नहीं हूँ, हर दिन मैंने नया सोचा है और नया प्लान किया है। आपको मतलब यानी इसमें भी बताऊंगी मैं कि मैंने लॉकडाउन में भी अपने को एक भी दिन खाली नहीं रखा। लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पर बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ, मैंने पूरे टाइम काम किया। अच्छा। पहले मैंने बहुत सारे संस्थाओं के साथ भी काम किया, पेपर्स के साथ भी काम किया, लॉकडाउन में ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस लिए, कंटिन्यू में ऑनलाइन क्लासेस लेती रही और पूरा टाइम बिजी रही, तो मेरे नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे स्टूडेंट बन गए ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत कंटिन्यू। अभी भी जो क्लासेस मैं ले रही हूँ तो उसमें ऑफलाइन लोग तो रहते ही हैं लेकिन ऑनलाइन भी पूरे टाइम जुड़े हुए हैं और पूरे आउट ऑफ इंडिया से भी लोग मेरे क्लासेस ले रहे हैं लगातार। अच्छा, अच्छा। हाँ, और लॉकडाउन पीरियड में तो मैंने एक ये भी किया है ना, रिकॉर्ड भी किया है, इंडिया बुक रिकॉर्ड और एशिया बुक रिकॉर्ड। उसमें मैंने क्या किया था कि 400 लोगों को बेकिंग का, जो केक का है, केक डेकोरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक समय पे करवाया था। ओके। 400 लोग पूरी जगह जगह से जुड़े हुए थे उसमें। ओके। और जूम पर हम लोगों ने कराया था और सबके पास हमने कैमरा पहुंचाया था और वो रिकॉर्ड मैंने किया। नीरज जी, आपसे ये चीज पूछनी थी, इतनी सारी चीजें आप करती है, हाँ। टाइम कैसे मैनेज कर लेती है, उसके बाद खुद के लिए टाइम, घर के लिए टाइम, कैसी चीजें आप मैनेज कर लेती है? देखिए, कैसा है ना कि आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो जब हम ये तीनों चीज हमारे अंदर रहती है ना तो हम सब कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल की यदि मुझे मालूम है कि कल मेरे यहाँ 10 गेस्ट आने वाले हैं और मैं सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो मैं आज से ही उनकी प्लानिंग कर दूंगी। और यदि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाऊंगी और पूरा प्लान करके दिन भर का सुबह से शाम तक का टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा प्लान कर दूंगी, तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं थी क्योंकि स्टाफ तो मेरे पास बहुत सारा है लेकिन उनको हमको हैंडल करना और उनको सुपुर्द करना, बस यही दो चीजें रहती हैं। तो उसमें मुझे कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं होती है। okay. मैं मैनेज कर लेती हूँ पूरा। अच्छा। मतलब मैं टाइम के साथ, मुझे घड़ी से बहुत वो है, यदि किसी भी रूम में घड़ी नहीं रहती है या बंद हो जाती है तो मुझे ज्यादा देर सहन नहीं होती क्योंकि मैं घड़ी के हिसाब से काम करती हूँ सारा। तो आप घड़ियों की शौकीन भी है? की शौकीन मतलब मुझे टाइम के साथ चलना पसंद है। okay. जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे ये 8 बजे काम खत्म करना है तो वो 8 बजे खत्म हो जाना चाहिए। okay. है ना। okay. तो कैसे पहले कैसा रहता था, मैं 10:30 बजे क्लास में आती थी, उसके पहले मुझे प्रिपरेशन रहता था क्लास का। फिर मेरा बेटा छोटा था उसको मैं स्कूल भी भेजती थी, फिर मेरे फादर इन लॉ का और हम लोगों का सबका नाश्ता, ये सारा काम करके और मैं क्लास में जाती थी। और क्लास का भी बहुत सारा कुकिंग है तो उसका भी प्रिपरेशन बहुत सारा रहता है। नीरज जी, आपसे एक और चीज पूछनी थी कि इतनी सारी चीजें करके इंस्पिरेशन आपकी कौन है? मेरी मदर, जिन्होंने मुझे हर टाइम मतलब सपोर्ट किया आगे बढ़ने का, जैसा जैसा मैं बोलती गई वैसा वैसा उन्होंने मुझे सपोर्ट करती गई और मैं आगे बढ़ती गई। और शादी होने के बाद में मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, मतलब और आज भी हस्बैंड मेरे साथ पूरे टाइम। ओके, एक और सवाल था कि मतलब आपका बेटा जब मतलब यूजुअली होता है ना कि हर दिन उसे कोई इतना कोई टिफिन में अच्छी चीज चाहिए होती है, मतलब ऐसा बच्चों का होता ही है, और बहुत बार यूजुअली होता है कि सैटरडे का दिन ऐसा होता है कि सब अपने अपने घर से टेस्टी टेस्टी चीजें रहेंगी, तो मतलब ऐसा कभी होता है कि आपके यहाँ पे आपके बेटों को रोज कोई नई अच्छी डिश मिल रही है? रोज नई डिश की मैंने आदत ही नहीं डाली। अच्छा। उसका कारण ये है कि फिर बच्चों को क्या होता है ना कि आपका ये मतलब सब्जी पराठा खाने की आदत
नहीं रहती उनको लगता है कि मुझे रोज ही टिफिन में नया चीज होना चाहिए। ओके, तो रोज नहीं, हफ्ते में एक आध बार हम नया कुछ दे देते मतलब थे, लेकिन तो रोज का टिफिन आपका वही सब्जी पराठा सब्जी पूरी वही रहता। ओके ओके, नीरज जी आपसे एक और चीज जो ऐसी थी पूछने की कि आप इतनी सारी चीजें कर रही है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में आनी चाहती है, उनको भी अपना कुछ एक अलग नाम करना है पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ उन सारी लड़कियों को आप थोड़ा सा गाइडेंस दें। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं अपने अनुभव से मैं उन सब महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ और अपने दिल की बात उनको बताना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी फील्ड में किसी भी मुकाम तक पहुँचना चाहती हैं तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें आगे देखना है, okay. है ना। यदि हम देखेंगे बाजू वाला क्या कर रहा है, इस घर वाला क्या कर रहा है या पीछे वाला क्या कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। okay. आपको सिर्फ सीधे और आगे देखना है कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है और कुछ करके निकलना है। लाखों स्टूडेंट बन गए हैं मेरे, इतने सालों में मैंने लाखों स्टूडेंट पढ़ा लिया और अभी तो सारे जितने स्टूडेंट निकल रहे हैं सारे काम कर रहे हैं। okay. यानी अभी पहले क्या था सिनारियो कि लोग आते थे बोलते थे आंटी मेरी शादी हो रही है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं 3-4 क्लास करके और 3-4 क्लासेस मुझे ऐसी करा दीजिए कि मुझे अब घर जाके और ससुराल में कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन आजकल हर लेडीज़ जो आती है, हर लड़की जो आती है, वो एक छोटे से क्लास से भी अपना कैरियर सेट करना चाहती है। ओके, तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स आज चला रहे हैं जिसमें कि लेडीज़ को भरपूर मतलब नॉलेज मिले और वो अपना काम जाके चालू कर सके। ऐसे जैसे हमारा एक प्रोफेशनल केक का वर्कशॉप होता है। okay. अभी मेरा जो चल रहा था वो कैफे स्टार्टअप का, रेस्टोरेंट या कैफे स्टार्टअप या स्ट्रीट फूड आप कर सकते हैं या फिर क्लाउड किचन कर सकते हैं। ऐसे सारे कोर्सेज में चला रही हूँ जिसमें हम इन्वेंट्री सिस्टम से ले के एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मेनू कैसे बनाते हैं, ये सारा नॉलेज हम उस क्लास में देते हैं। okay, जैसे okay. कुछ प्रीमिक्सेस के क्लास हैं, प्रीमिक्स बना के आप कैटर्स को दे सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना के आप घरों में दे सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे प्रीमिक्स बनाना भी मैं क्लास में लेती हूँ। okay, okay. तो शुरुआत हाँ, और जो भी आता है, बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम है और इस टाइम पर तो मोस्टली लोग प्रॉब्लम में है हाँ. जिन्होंने लॉकडाउन में अपनों को खोया है हाँ. या फिर अब अपने आप खड़े होना चाहते हैं, जॉब चला गया है, शॉप नहीं चल रही है तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं तो हम उनके हर तरह से हेल्प करते हैं कि वो अपने पे हो सके। हम उनको ये भी बोलते हैं कि देखिए आप ना अपना छोटे से स्टार्ट करिए, फ्रेंड सर्कल से और अपने आस पड़ोस से चालू करिए अपनी चीज़ों की, कि हम ये भी बनाते हैं ये भी। और एक प्रोडक्ट पे ना आजकल रहना पॉसिबल नहीं हाँ, है क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें चाहिए बहुत हाँ, तो आपके अंदर ना केवल एक चीज नहीं आके आपको 4-6 चीजों का नॉलेज होना चाहिए जिससे कि कभी, जैसे एक उदाहरण है कि कभी यदि आपका केक नहीं जाता है तो आप चॉकलेट कर लो, कभी चॉकलेट नहीं जा रही है तो आप कुछ ऐसे होममेड चीजें भी बना के, जैसे मैंने बोला प्रीमिक्सेस है, या फिर आपने सब्जियां बना के सप्लाई करना चालू कर दिया, स्नैक्स दे दिए, बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी पार्टी होती है, तो आजकल लोगों को क्या है ना पूरा अपने आप मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है हाँ. तो वो सब बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो आप भी वैसे छोटे छोटे पार्टीज के ऑर्डर ले सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है ना कि आपको आप मतलब फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल होते हैं, हो जाते हैं। नीरज जी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत बार मतलब वुमेन्स डे का जिस तरीके से मौका है हाँ बहुत बार लोग महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करते हैं, उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात करते हैं, पर इस वुमेन्स डे कोई पूछता नहीं है, मतलब जब भी होता है कि महिलाओं को मतलब उनसे कोई पूछा नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को आखिर चाहिए क्या होता है, मतलब व्हाट डज अ वुमन वांट इस बारे में। देखिए कोई भी वुमेन क्या चाहती है ना, यदि घर वालों से उसकी अपेक्षाएं हैं, है ना, आप घर वालों की बात कर रहे हैं या मतलब इन जनरल महिलाओं को क्या हाँ, चाहिए कि वो जो भी कर रही है ना उसको प्रोत्साहन मिले, मतलब कोई दो शब्द अच्छे से बोले। हर चीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता कि पैसा दे देंगे तो ये लेडीज खुश हो जाएगी या
मतलब वुमेन खुश हो जाएगी, उसको थोड़ा सा प्यार चाहिए रहता, प्यार भरे लव्स चाहिए रहते, ओके मतलब यही चीज है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा चाहिए होती है। और देखिए महिलाओं पे तो शुरू से मालूम है कि यदि वो कोई दूसरा काम कर रही है तो घर तो उनको संभालना ही है और दूसरा काम भी करना है, तो डबल जिम्मेदारी होती है ना। वो डबल जिम्मेदारी निभाते निभाते कभी वो थकती भी है, लेकिन यदि प्यार के दो शब्द उसको मिल जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। नीरज जी एक आखिरी सवाल जो आपसे है कि ये जो मौका है वुमेन्स डे का, उस पर सभी तमाम दर्शकों को, सभी तमाम महिलाओं को आप क्या एक मैसेज देंगी? सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को, BCN से जुड़ी हुई सारी महिलाओं को मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और वुमेन्स के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते जाइए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, हिम्मत रखिए, चीजें बराबर हो जाएगी। कहीं ना कहीं नीरज जी ने ये चीज कही जो हम जिनके, जैसे मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में कि जिनके हाथों में अन्नपूर्णा है, ऐसे ही नीरज जी ने हमारे साथ इतना प्यारा टाइम स्पेंड किया, इनके साथ इतनी सारी बातें की। बहुत अच्छा सेशन रहा नीरज जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और थैंक यू सो मच आप हमारे स्टूडियो में आई और आपका इतना कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। और दर्शकों हमारी वुमेन्स डे के इस स्पेशल श्रृंखला में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।